पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फैंटी खाते हुए हार गया। मैंने भी ट्वीट किया था, यू कैन डिफाइन अ वर्ड क्लूलेस नाउ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान टीम, दे आर क्लूलेस। और पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी का पता चल गया होगा कि T20 में वेयर डू दे स्टैंड नाउ। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती है कि मोहम्मद हफीज साहब बैठे हुए हैं। हमारे पास एक फैन है जो कि मैच हारने के बाद काफी दुखी हैं, इनसे पूछते हैं कि आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या कहेंगे आज के मैच, इतना रो क्यों रहे हो? आज का जो मैच था आप देख सकते हैं, मेरा गला जो है इस वक्त बिल्कुल ही एंड हो चुका है। ग्राउंड फील्डिंग पैथेटिक, थर्ड क्लास, हाथ में से बाबर सैम सारे हाथ में से रंजे जो है रोना आ रहा है। यकीन करें आज उस नौजवान के ऊपर जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर इस जैसे बेहिस लोगों और डिफेंसिव बुजदिल कप्तान, बुजदिल कोच, बुजदिल चेयरमैन, इतनी क्रिकेट यहाँ पे खेल के गए हैं हम, 15 साल से इनको होस्ट कर रहे हैं। अभी आके अगर इनको कंडीशंस का यही कहेंगे कि उनको कीवीज को कंडीशन, नो डाउट उनकी होम ग्राउंड है, उनको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आप देखें हम कितनी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने आज जिसको कहते हैं ना बहुत बुरी किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत ज्यादा बुरी किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के वही पावर प्ले वाले मसाइल अभी तक भी इस मैच में हमने देखे हैं। दूसरे ओवर में तो इसको फेंट फूट दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया, छक्के चौके एलन ने सही टारगेट किया हुआ था, इसको भी, आमिर जमाल को भी, अब्बास अफरीदी, किसी को नहीं छोड़ा उसने। आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, फुल स्ट्रेंथ, आपने कोई चेंजेस भी नहीं किए, मतलब कोई चेंजेस हो ना, कि आप तो इसे कहते हैं कोई शुरू के मैचेस में आपने कोई बॉलिंग चेंजेस किए, यंग लड़कों को चांस दिया हो, प्रॉपर टीम खेली, पूरी की पूरी आपकी जो परफॉर्मेंस थी ना, पूरी की पूरी जो प्लेइंग 11 थी वो हर मैच खेली है। आप नहीं देखेंगे शुरू में, यू विल नेवर सी के विलियमसन जो है वो इवन 100 के स्ट्राइक रेट से T20 में खेल रहा है, नॉट इवन एट 100, 170 तो आउट ऑफ द मतलब बॉक्स टाइप ऑफ इनिंग्स थी। वहां से रिजवान साहब मिचेल वहां बॉल था, बैट से अंदर ले आया, यानी आ रहे हैं, चैपमैन को हरीश रऊफ ने रेटल करके रख दिया जिस ओवर में 3 रन दिए, तो इट्स अ ट्रेमेंडस कमबैक बाय द पाकिस्तान टीम। इस ग्राउंड पे हम कभी भी इनसे नहीं जीते। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे T20 मैच के अंदर अगेन पाकिस्तान टीम टारगेट चेज नहीं कर पाई। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जब पाकिस्तान को पता था कि उनके टारगेट चेजिंग में मसला है तो क्यों वो बार बार गलती को कवर अप नहीं करते। पाकिस्तान को पता है कि जब उनको बड़े टारगेट मिले हैं उन्होंने कभी भी बड़ा टारगेट चेज नहीं किया। आज के मैच में फिन एलन पाकिस्तान टीम पर कहर भर के टूट पड़े, अकेले ही बल्ले बाज ने खड़े होकर पूरे मैच का पासा पलट दिया। पहला ओपनिंग बैट्समैन जिनका साथ दिया विलियमसन ने, वो तो बाद में विलियमसन रिटायर हट हो गए जिसके बाद उनको जाना पड़ा, अदरवाइज अगर वो ना जाते तो आज न्यूजीलैंड का टोटल 250 होता। पाकिस्तान टीम 190 रन चेस करने में नाकाम रही और 21 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुएब अख्तर का कहना है कि आज के मैच में अंधेरे में छितर मारे हैं न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग बिल्कुल जीरो, वो तो आखिर में आकर हाइस्ट ऑफ लक्चरी एक ओवर में 3 विकेट निकाल चुके थे, लेकिन 3 विकेट लेने का क्या फायदा जब टारगेट बहुत बढ़ चुका था। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग बिल्कुल जीरो रही, कोई बड़ा बॉलर कोई बड़ी विकेट नहीं निकाल पाया। हालांकि शाहीन अफरीदी 4 ओवर में 30 स्कोर दिए, स्कोर तो कम लेकिन एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। पाकिस्तान ने सारी जिंदगी न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली है, 15 साल से पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान हमेशा की तरह हार कर वापस आएगा। पाकिस्तान को ग्राउंड की समझ नहीं आई, पाकिस्तान को पिच कहीं नहीं आ रही कि पिच किस तरह की है। हालांकि चीफ सेलेक्टर को पहले ही बताया गया था कि वहां की तरह ट्रिकी पिच है, ग्राउंड कंडीशन थोड़ा चेंज है, लेकिन किसी ने उस बात पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल जीरो। बैटिंग की बात करें तो फखर जमान ने काफी शानदार रन बनाए, बाबर आजम ने 66 रन की शानदार रन खेली, लेकिन फजूल। इसके अलावा इन दो बैट्समैन के अलावा कोई बैट्समैन भी स्कोर न कर पाया। अगेन आजम खान, इफ्तिखार, साहिब अयूब, सबके सब फ्लॉप रहे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि क्या इन दो प्लेयर टीम को जितवाना है कि अगर पूरी टीम अपनी कामयाबी हिस्सा डालेगी तभी पाकिस्तान जीतेगा, अदरवाइज पाकिस्तान टीम ऐसे ही हारती रहेगी।